वैसे मैं नास्तिक हूं, पर अगर मैं गलत भी निकलूं तब भी स्वर्ग में मेरा जगह फिक्स है। पर आप जरूर चेक कर लें, आपको स्वर्ग मिलेगा या नहीं। अचरज हुआ होगा आपको मेरी बात सुन के, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है स्वर्ग पाने पे, और मेरा कॉन्फिडेंस है हमारे धार्मिक किताबों और आप जैसे सज्जन लोगों के बोले हुए बातों की वजह से। कितने सारे अच्छे लोगों से सुना है मैंने कि किसी भी मासूम पशु को तकलीफ न दो, वरना कयामत के दिन जवाब देना होगा इसका। और ये भी सुना है कि किसी भी मासूम पशु को न मारे बेवजह, वरना दोजख की आग में जलना होगा। और स्वाद और लालच कोई जायज वजह नहीं हो सकती। खाने के लिए हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, उसके बावजूद अगर हम इन जानवरों को करोड़ों की तादाद में उगाएंगे और मार के खाएंगे तो बेवजह हुई है। कहते हैं कि ये दुनिया और यहां की हर चीज उसकी है, फिर कैसे आप सब कुछ बिगाड़ रहे हो? उसके बनाए जीवन चक्र को टोटली बिगाड़ दिया है हमने। जो प्राणी हमारे काम के नहीं है उन सबको हमने साफ कर दिया, मिटा दिया, और जो हमारे स्वाद और स्वार्थ के हैं उनको उगा उगा के हम उनका व्यापार कर रहे हैं। कहते हैं कि हम एक मुसाफिर हैं, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। जब वापस जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्यों बिगाड़ दिया सब कुछ सिर्फ अपने स्वाद के लिए? हाँ हाँ, आप जिम्मेदार नहीं हो, पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि हर वो शख्स, वो जो एक पशु को मारने की अनुमति दे, वो जो उसे मारे, वो जो उसे पकाए, वो जो उसे परोसे और वो जो उसे खाए, वो सारे उस प्राणी की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। मांस नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे बनाएंगे? पर वो लाइन जो कहता है कि उससे बड़ा कोई पापी नहीं जो अपने शरीर के मांस को बनाने के लिए किसी दूसरे प्राणी को मार के उसका मांस खाए, उसका क्या? वैसे स्वर्ग के साथ मेरी खुशी भी फिक्स है, क्योंकि कहा गया है हर वो शख्स जो किसी भी मासूम और अहिंसक पशु को सिर्फ अपने आनंद के लिए मारे, सिर्फ आनंद के लिए, उसे न तो इस जन्म में न किसी भी जन्म में खुशी मिलेगी। डू वन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू वन टू यू। दूसरे जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें। पर हम तो सारे पशुओं को बहुत क्रूरता से रखते हैं, कुछ दया नहीं, रहम नहीं। फिर जब हम उससे प्रार्थना करेंगे कि मुझ पे रहम कर, दया कर, मेरी मदद कर, करेगा वो हमारी मदद? क्या लगता है आपको? तिरुकुरल से एक लाइन कहूंगा मैं, सच्चा और साफ दिल का इंसान सिर्फ वो है जो किसी भी दूसरे पशु या जीव को हानि ना पहुंचाए, भले ही उसे हानि हुआ हो थोड़ा सा। आखिर में हम सब जानते हैं कि आज इंसान कितना शातिर है। आप में से भी बहुत होंगे जो अपने पूजनीय किताबों में से सिर्फ वही लाइनें ढूंढ के लाएंगे जो हमें स्वार्थी, स्वाद भोगी और गैर जिम्मेदार, असंवेदनशील जीने के लिए प्रोत्साहन देते रहे। पर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने दिल की सच्चाई और अच्छाई को छुए। उन्हें और मेरे शातिर दोस्तों को प्रणाम।